जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो श्रावण का जो महीना है, श्रावण का जो मास है, जब यह आता है तो बहुत सी खुशियां लेकर के आता है। इसमें भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं तो हमें विशेष फल भी प्राप्त होते हैं और भगवान की पूजा में मन भी हमारा लग जाता है। आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वह है कि अपने पितरों को खुश करने के लिए यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो इस दिन अपने पितृदेव सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, और यदि वह प्रसन्न हो गए और अपनी कृपा बनाए रखी तो फिर अपने पास किसी चीज की कमी रहेगी भी नहीं। हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक दिन है नाग पंचमी। श्रावण की जो अपने महीने की शुरुआत है, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, इसी की जो पंचमी आती है उसे नाग पंचमी के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन नाग की विशेष पूजा की जाती है, नाग को दूध पिलाया जाता है, नागों को स्नान करवाया जाता है, लेकिन आप यह सब कर नहीं सकते हैं। अब हर जगह पर नाग विद्यमान थोड़े ही ना रहते हैं। नाग वैसे तो भगवान भोलेनाथ के गले का हार है, पर यह आपको जब पूजा करेंगे तो हर मंदिर में, शिवालय में, जहाँ शिवालय होता है वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, नाग वैसे तो सदा खुशबू वाले इलाके में ही रहना पसंद करते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष पर अक्सर पाए जाते हैं, वैसे केवड़ की खुशबू से केवड़े के वनों में भी ये अधिकतर मिल जाते हैं, चंपा के पौधों के पास में भी घूमते रहते हैं। अधिकतर कई बार देखा गया है कि जब सांप जिस जगह पर रहते हैं तो उस जगह से भी एक विशेष फल की खुशबू आने लग जाती है, जिसे खरबूजे के रूप में जाना जाता है। एक विशेष गंध इसमें भी समाहित रहती है दोस्तों। पर आज हम प्रयोग बताने जा रहे हैं कि यदि हम नाग की इस रूप में पूजा करेंगे और नाग पंचमी को करेंगे, जो कि अभी 7 जुलाई को शुक्रवार को आ रही है। शुक्रवार को आना भी एक संयोग है, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है और शुक्र के स्वामी भी माँ लक्ष्मी ही होते हैं। उससे आपको धन धान्य की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में आपके पितृदेव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। बस आपने एक लोटे में दूध ले लेना है, कच्चा दूध होना चाहिए। बस दोस्तों, कच्चा दूध लेने के बाद आपने 5 गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब का जो फूल होता है दोस्तों, उसमें से 5 पंखुड़ियाँ गुलाब की ले लें और थोड़ी सी मिश्री मिला लें। अब इसे पीस लें, थोड़ा बारीक कर लें और दूध में मिला लें। यह आपने नाग पंचमी वाले दिन ही करना है दोस्तों। मिलाने के बाद अपने लोटे को ले जाएं और शिवालय में पहुंच जाएं। आपने अपने हाथ में लोटा लेकर के जो बोलना है, बस अब इस पर ध्यान दे लीजिए। हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्थान का नाम बोल दे। मैं विशेष रूप से यह नाग को प्रसन्न करने के लिए जो दूध अर्पित कर रहा हूँ, यह अपने पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। बस इतना सा बोलने के बाद उसमें से आधा दूध शिवलिंग के ऊपर जो नाग रहता है उस पर चढ़ा दें, धार बांधते हुए चढ़ा दें। अब जो शेष बचा आधा, वह आपने शिवलिंग पर अपनी धारा बांधते हुए चढ़ा देना है और
जब तक चढ़ाएं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्रों के जप करते रहें। बस दोस्तों एक छोटी सी प्रक्रिया यदि आपने इस दिन कर दी तो समझ लेना भोलेनाथ की वह कृपा आने लग जाएगी, जिससे आपके पितृदेव आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहे हैं। पितृदेव का अपने नागों से भी विशेष संबंध रहा करता है। जब आप नाग की पूजा करते हैं तो पितृदेव वैसे ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया से करेंगे और भोलेनाथ की इस अर्जी के साथ में करेंगे तो समझ लेना आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। एक 10 मिनट की प्रक्रिया है, इससे कर लेना दोस्तों। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा। अच्छा लगता है आप अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।